नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इंडियन स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी के मैक्रोनी लिए हैं। ये मैदे के नहीं हैं, सूजी के हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही तो सोच रही हूँ हेल्दी बनाऊँ, इसीलिए मैंने सूजी का यूज़ किया है। और कुछ सब्जियाँ लिए हैं मैंने, दो शिमला मिर्च है इसको बारीक बारीक काट लिया है, एक बड़ा साइज का प्याज है इसको बारीक काट कर ले लिया है, दो छोटा साइज के टमाटर इसको बारीक काट लिया है, एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन को मैंने क्रश करके ले लिया, जिसमें 5-6 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसको क्रश करके ले लिया, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लगेगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ी सी खाली लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपका बच्चा बिल्कुल तीखा ना खाता हो, और रिफाइंड ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पानी अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे, पानी में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑयल और टेस्ट 1 चम्मच के आसपास नमक, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मैक्रोनी, और मैक्रोनी को हमें 10 मिनट तक उबालना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक बार, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे 10 मिनट तक उबाल देना है अच्छे से, इसे अच्छे से कुक करना है। तो इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर ले पहले। तो हमारा मैक्रोनी है जो उबलने लगा है, इसे इसे लगातार चलाते हुए बीच बीच में हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो इसे 10 मिनट तक लगभग कुक करें। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपना मैक्रोनी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है, आराम से चेक कीजिए। तो हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हम छान लेते हैं। तो इसके स्ट्रेनर में हम छान लेते हैं और इसमें तुरंत एक ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं ठंडा, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। तो इसे हम रखते हैं साइड में और गैस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया था, मैं सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, गैस ऑन कर लेती हूँ और गैस कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ पहले। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन मिक्स करके रखा था, और इसे 1 सेकंड के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं हमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, और अच्छे से मिक्स करके हमें प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है बस। तो इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। तो हमारा प्याज है जो फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर, और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया था जो दिखाना भूल गई थी, तो ये लगभग 2 टेबलस्पून केचप है, तो 1 चम्मच पहले डाल देती हूँ और 1 चम्मच बाद में डालूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लो, और इसे हमें टमाटो को सॉफ्ट होने तक पकाना है। उसी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च कटा हुआ, और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने सब्जियों को पका लिया है, हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी उबली हुई मैक्रोनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के आसपास काली मिर्च पाउडर, और ये जो बची हुई टोमेटो केचप थी वो भी हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे हम, और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक और पास्ता के साथ, सॉरी मैक्रोनी के साथ पका लेना है।
ताकि ये सारे मसाले जो हैं हमारे वो पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसे 1 से 2 मिनट ऐसे कंटिन्यूसली चला के हमें मिक्स कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारी सूजी की कलरफुल मैक्रोनी। बच्चे जो हैं कलरफुल सब देख के बहुत अच्छे से इसको अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। ये तो ये बच्चे ज़रूर खाएंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें मैंने कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी खाइए और अपने अपना फैमिली को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।